हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बॉटनी। बहुत लोगों का डिमांड था दोस्तों कि जो इंग्लिश वर्जन है लूसेंट का, उसका बायोलॉजी को आप बहुत अच्छे से बता दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं आज लेकर आया हूँ बायोलॉजी का बॉटनी पार्ट। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसके जितने इंग्लिश लैंग्वेज वाले जो पार्ट्स हैं बायोलॉजी के, जो भी हैं, जेनेटिक्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं, सबको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। लूसेंट आप जानते हैं, लूसेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक होता है किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम हो उसके लिए लूसेंट बहुत उपयोगी बुक होता है। आज हम लोग बॉटनी को डिस्कस करते हैं, हिंदी में अच्छे से बताता हूँ मैं बॉटनी को। ओके, आइए देखते हैं। एक और बात दोस्तों, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के मैं एजुकेशनल वीडियो मैं हमेशा लेकर आते रहता हूँ, और जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आइए देखते हैं। द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। ओके, विभिन्न तरह के पेड़ पौधों के अध्ययन को बॉटनी बोलते हैं। थियोफ्रास्टस इज कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रास्टस जो हैं बॉटनी के पिता कहे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिटाई एक किंगडम है, उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। प्लांट किंगडम, क्रिप्टोगेमस एंड फेनेरोगेमस। अंडर क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस में कौन आते हैं? प्लांट्स विदाउट सीड, जिन पौधों के बीज नहीं होते हैं वो क्रिप्टोगेमस में आते हैं। इसके इनके भी सब टाइप्स हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इनके तीन पार्ट्स हैं। थैलोफाइटा का सब पार्ट्स है दो, एक फंगी और एक अलगी। ठीक है, फेनेरोगेमस में है सीड बेयरिंग प्लांट्स, ये ऐसे पौधे हैं जिनके सीड होते हैं, बीज होते हैं। इस पर सब टाइप्स हैं, जिम्नोस्पर्म है एंड एंगियोस्पर्म है, दो सब टाइप्स हैं। एंगियोस्पर्म है के दो सब टाइप्स हैं, मोनोकोटिलेडोन्स एंड डाइकोटिलेडोन्स। ओके, क्रिप्टोगेमस प्लांट्स को देखते हैं। देयर आर नो फ्लावर्स एंड सीड्स इन दिस प्लांट्स, दे आर क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग ग्रुप्स। इनमें फूल और बीज नहीं होते हैं, इस तरह के प्लांट्स को क्रिप्टोगेमस प्लांट्स बोलते हैं। ये क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है इनको। देखते हैं, पहला है थैलोफाइटा, जो आपने देखा था पीछे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है देखें, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप है। द प्लांट ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर थैलस लाइक। इनके प्लांट के जो बॉडी होते हैं थैलस जैसे होते हैं। प्लांट्स आर नॉन डिफ्रेंशिएटेड बाई रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। पौधे जो हैं जड़, तने और पत्तों के द्वारा अंतर नहीं किए कर सकते हैं पौधों में आप। ठीक है, देयर आर नो कंडक्टिंग टिश्यू, दे आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। इनमें कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते हैं और ये दो ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, अलगी एंड फंगी। ओके, थैलोफाइटा में दो ग्रुप्स हैं, अलगी एंड फंगी। अलगी क्या है? द स्टडी ऑफ अलगी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। अलगी के स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं। सेकेंड है, द जनरली हैव क्लोरोफिल एंड ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, आप जानते हैं क्लोरोफिल हरे कलर का, जो जनरली पत्तियों में पाए जाते हैं। और इनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, इट्स बॉडी इज थैलस लाइक, इनके ही बॉडी थैलस लाइक होते हैं, चूँकि ये थैलोफाइटा हैं तो थैलस लाइक ही बॉडी होंगे। इट मे बी यूनिसेल्युलर और कॉलोनियल और फिलामेंटस। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। फोर्थ है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप एल्गी इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पिगमेंट। नेचर ऑफ पिगमेंट के ऊपर इनको क्लासीफाइड किया जाता है, पिगमेंट जो लिप्स में कलर पाए जाते हैं। ठीक है, जनरली पीले रंग के भी होते हैं, हरे रंग के भी होते हैं। ओके, यूजफुल अलगी, यूजफुल अलगी कौन कौन से हैं? पहला, एज ए फूड
पॉलीफिरा उलवा, सुरगसम, लेमिनारिया एंड नोस्टोक। भोजन के तौर पे देखें तो पॉलीफिरा उलवा, सुरगसम, लेमिनारिया एंड नोस्टोक ये अलगी जो हैं भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सेकेंड है इन मेकिंग आयोडीन लेमिनारिया फोकस इकोलोना। आयोडीन बनाने के टाइम ये लेमिनारिया फोकस और इकोलोना नाम के अलगी यूज होते हैं। तो एज ए मैन्योर खाद जो खेतों में डाले जाते हैं उनको बनाने में भी अलगी का उपयोग होता है। वो नोस्टोक और एनाबेना केल्प ये तीन तरह के अलगी का उपयोग होता है खाद बनाने में। इन मेकिंग मेडिसिन क्लोरेलोन फ्रॉम क्लोरेला एंड टिंचर आयोडीन इज मेड फ्रॉम लेमिनारिया। ठीक है, क्लोरिलोन बनाया जाता है क्लोरेला से एंड टिंचर आयोडीन बनाया जाता है लेमिनारिया से, ये दवा का नाम है। इन रिसर्च वर्क्स क्लोरेला एसिटाबुलारिया बेलोनिया है। ओके, रिसर्च वर्क में क्लोरेला एसिटाबुलारिया और बेलोनिया का उपयोग होता है। स्पायरोजीरा इज कॉमनली नोन एज पोंड सिल्क। स्पायरोजीरा एक एल्गी है, इसको पोंड सिल्क बोलते हैं। नोट, एन एस्ट्रोनॉट कैन गेट प्रोटीन फूड वाटर एंड ऑक्सीजन बाय सोइंग क्लोरेला एल्गी इन द टैंक ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, कोई भी अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन, भोजन, पानी और ऑक्सीजन पा सकता है अगर वो क्लोरेला एल्गी को अपने एयरक्राफ्ट के टैंक में उसको उपजाए, मतलब उसको लगाए वहाँ। सो क्लोरेला इज नॉन एज स्पेस एल्गी, इसीलिए क्लोरेला को अंतरिक्ष का एल्गी बोलते हैं। अगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्गी लाइक जेलिडियम एंड ग्रेसिलियारिया, इट इज़ यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेली। अगर जो है जेलिडियम एंड ग्रेसिलियारिया से बनाया जाता है वो ये उस तरह का माइक्रोब्स है जो आइसक्रीम और जेली बनाने में यूज होता है। ठीक है, बी ना दूसरा देखते हैं दोस्तों, फंगी। स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फंगी के स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस ग्रुप में भी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। इस ग्रुप के जितने भी जीव होते हैं वो या तो एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं। फंगी इज क्लोरोफिल लेस, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। सेंट्रल कैरियर टिशू लेस थैलोफाइटा, सेंट्रल कैरियर टिशू नहीं होता है, थैलोफाइटा भी नहीं है। एक्युमुलेटेड फूड इन फंगी रिमेन्स एज ग्लाइकोजन। फंगी जितने भी भोजन जमा करता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, में होता है। इट्स सेल वॉल इज मेड फ्रॉम चिटिन, इसका जो कोशिकीय भित्ति होता है वो चिटिन से बना होता है, जैसे अल्बुगो, फोटोपथोरा, मुकोर ईस्ट। ठीक है, फंगी में क्रिएट सीरियस डिजीज इन प्लांट्स। फंगी जो है बहुत ही घातक बीमारी पौधों में कर सकता है। कौन कौन से हैं? डैमेज काउज बाय रस्ट एंड स्मट। पौधों में जो रस्ट और स्मट के द्वारा जो क्षति होती है वो फंगी के द्वारा होती है। द मेन फंगल डिजीज इन प्लांट्स आर, फंगी के द्वारा जो मेन डिजीज प्लांट्स में उत्पन्न किए जाते हैं वो कौन से हैं? वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ठीक है, क्रूसीफर में जो वाइट रस्ट होता है वो फंगी से होता है। लूज स्मट ऑफ व्हीट, ठीक है, गेहूं के पौधों में जो लूज स्मट होता है। रस्ट ऑफ व्हीट आलू गेहूं में जो रस्ट होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, आलू का पहले से लगना किए हो चुका है। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, ठीक है, आप देखते होंगे शुगर कैन वगैरह में बीच में जो फट जाता है, फट के रस वहाँ से निकल जाता है, लाल तरह का हो जाता है वहाँ पे, वो फंगी के फंगी से ही होता है। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, ठीक है, बादाम में जो टिक्का डिजीज होता है फंगी से ही होता है। वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, आलू में वाट डिजीज जो होता है फंगी से होता है। ब्राउन लीफ ऑफ राइस, ठीक है, धान के पौधों में जो भूरे भूरे रंग के जो दाग हो जाते हैं वो फंगी से होते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, लेट ब्लाइट जो आलू में होता है वो फंगी से ही होता है। डैम्पेनिंग ऑफ सीडलिंग्स, ठीक है, बहुत सारे बीज देखते होंगे नहीं उगते हैं,
वो फंगी से ही होते हैं, फंगी के द्वारा जो रोग हो जाता है उसके चलते नहीं उगते ही नहीं हैं। राजोबस इज ए फंगी कॉमनली यूज एज ब्रेड मोल्ड। राजोबस एक फंगी है जो ब्रेड मोल्ड से ब्रेड मोल्ड के द्वारा रूप में उपयोग किया जाता है। हेटेरोथैलिज्म इज इन फंगी वाज डिस्कवर्ड बाय एफ ए ब्लैकली। हेटेरोथैलिज्म जो है फंगी में वो एच एफ ब्लैकली नामक साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया। अल्फा टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फंगी। अल्फा टॉक्सिन जो है फंगी के द्वारा ही छोड़े जाते हैं। लाइकेंस आर एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंगी। कवक जो होते हैं लाइकेंस और एल्गा एंड फंगी के द्वारा मिल के बनते हैं, ठीक है। लाइकेंस डेवलप्ड इन रॉकी सबस्ट्रेट्स आर कॉल्ड सेक्सिकोलस। जो रॉकी जो चट्टान में जो देखते होंगे बहुत सारे पौधे उगते हैं, कवक जो होते हैं वो फंगी के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, जिसको सेक्सिकोलस बोलते हैं, ठीक है। लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच आर कॉलोनाइज ऑन द बेयर रॉक, ठीक है। कवक जो हैं सबसे पहले जीव हैं जो बेयर चट्टान पे कॉलोनाइज किए गए थे, ठीक है। ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंगी रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग। ईस्ट एक कोशिकीय फंगी है जो बडिंग के द्वारा उत्पन्न प्रजनन किए जाते हैं, ठीक है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एस्परजिलियस एंथेरेडियम एंड एस्कोगोनियम, ठीक है, फंगी ही होते हैं। आगे देखते हैं फंगी के बारे में क्या है। और सेकेंड है ग्रुप जो है ब्रायोफाइटा ग्रुप है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स, ठीक है। यह भू पौधे का पहला ग्रुप है। इन दिस डिवीजन अप्रॉक्सीमेटली 25,000 स्पेसीज आर इंक्लूडेड। इस ग्रुप में 25,000 तरह के जीवों को शामिल किया गया है। पहला इन ब्रायोफाइट्स देयर इज अ लैक ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। ब्रायोफाइट जो ग्रुप है इसमें लैक ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज का बहुत कमी होता है। प्लांट बॉडी में विथ थैलस लाइक एंड लीफी इरेक्ट स्ट्रक्चर एज इन मॉस। प्लांट बॉडी जो होता है थैलस लाइक होता है और पौधे होते हैं बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं मॉस के जैसे, ठीक है। दे लैक ट्रू रूट एंड स्टेम। इनमें जो होता है असली जड़ और तने का कमी होता है, ठीक है। दिस कम्युनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन कैटेगरी ऑफ प्लांट किंगडम। ये जो कम्युनिटी है समुदाय है वो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियम कैटेगरी ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, ठीक है। वाटर कंडक्शन टेक्स प्लेस इन मॉसेस थ्रू पैरेन्काइमा। पानी का जो संरचना है, पानी का जो सर्कुलेशन है, कंडक्शन है, जो पानी जो लेता है ये मॉस वो पैरेन्काइमा के द्वारा लेता है, ठीक है। द मॉस नेमली स्फैग्नम इज कैपेबल ऑफ सोकिंग वाटर 18 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट। जो स्फैग्नम नाम का जो मॉस होता है वो 18 गुना अपने वजन से ज़्यादा पानी को सोखता है। देयरफॉर गार्डनर्स यूज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ड्राइंग व्हाइल टेकिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसीलिए जो माली जो होते हैं इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाते समय बहुत ध्यान रखते हैं कि कहीं ये सूख ना जाए पानी के बिना, ठीक है। द स्फैग्नम मॉस इज यूज्ड एज फ्यूल। स्फैग्नम मॉस जो है ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। द स्फैग्नम मॉस इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। थर्ड है टेरिडोफाइटा, ठीक है। एक्चुअली पी से शुरू होता है दोस्तों, लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाता है टेरिडोफाइटा। जिसे निमोनिया को आप प्रोनाउंस करते हैं वो भी पी से शुरू होता है वर्ड, पर उसको निमोनिया सेकंड लेटर से ही उसको प्रोनाउंस करते हैं। द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर मोस्टली फाउंड इन वेट सैडी प्लेस, ठीक है। इस ग्रुप के जितने भी प्लांट्स हैं वो मोस्टली जो भीगे हुए जगह हैं, जो कीचड़ टाइप के जगह हैं, जो भीगे भीगे गीले गीले जगह हैं, जैसे जंगल में पहाड़ी एरिया क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, इस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा। पहला द बॉडी ऑफ प्लांट इज डिफ्रेंशिएटेड इन रूट्स स्टेम
एंड लीव्स। इनके जो बॉडी प्लांट के हैं वो जड़, तने और पत्तों में अंतर अंतर किया जा सकता है, इसके जड़ तने और पत्ते को देख के अंतर किया जा सकता है। रिमेंस एज नॉर्मल राइजोम, ये नॉर्मल राइजोम के जैसे दिखते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन अकर्स बाय स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया, इनका जो प्रजनन होता है स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स होते हैं उनके द्वारा होता है, ठीक है। स्पोरेंजिया बेयरिंग लीफ ऑफ फर्न इज कॉल्ड सोरस। स्पोरेंजिया बेयरिंग लीफ जो होता है, पत्ते जो होते हैं फर्न के, जो स्पोरेंजिया बेयरिंग पत्ते होते हैं उनको सोरस बोलते हैं। ओके, गैमेटोफाइटिक फेज इज शॉर्ट लिव्ड। गैमेटोफाइटिक फेज जो होता है टेरिडोफाइटा का, वो बहुत छोटे जीवन का होता है। द डायप्लॉइड जायगोट डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो, इनको जो डायप्लॉइड जायगोट हैं वो एम्ब्रियो में डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। गैमेटोफाइट इज कॉल्ड प्रोथेलस इन टेरिडोफाइटा। गैमेटोफाइट जो है प्रोथेलस बोलते हैं, बोले जाते हैं टेरिडोफाइट्स ग्रुप में। प्लांट्स ऑफ दिस कम्युनिटी हैव कंडक्टिंग टिश्यूज, इस तरह के समुदाय के पौधों में कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं। बट जाइलम डज नॉट कंटेन वेसल्स एंड फ्लोएम डजंट कंटेन कंपेनियन सेल्स, ठीक है। बस जाइलम के पास वेसल्स नहीं होते हैं और फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, फांस, एजोला, टेरिडियम, लाइकोपोडियम, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इन द नेक सेल्स ऑफ आर्किगोनियम ऑफ फांस वन बाय नोक्लिटिड सेल्स इज प्रेजेंट। इनको नेक सेल्स में जो है, आर्किगोनियम के नेक सेल्स में जो हैं, सॉरी फर्क के आर्किगोनियम के नेक सेल में जो हैं फर्न के, एक बायनोक्लिटेड सेल मौजूद होते हैं। मोसेज ब्रायोफाइट जो हैं एंड फंस टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। देखिए मोसेज और फंस जो हैं, मोसेज जो ब्रायोफाइट है एंड फंस जो है टेरिडोफाइट है, ये भी एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहे जाते हैं। अब सेकेंड टर्म देखते हैं, ये तो क्रिप्टोगेमस देख रहे थे हम लोग, उसके टाइप्स देख रहे थे। अब सेकेंड टर्म है फेनोरोगेमस ऑफ फ्लोरल प्लांट, सेकेंड ग्रुप, ठीक है। सेकेंड ग्रुप में क्या है बोटनी का, प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर वेल डेवलप, बहुत ही अच्छे विकसित होते हैं। ऑल द प्लांट्स बियर फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स, सारे पौधे में फूल होते हैं, फल होते हैं और बीज होते हैं। प्लांट इन दिस ग्रुप आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, इस ग्रुप के जो प्लांट्स हैं दो ग्रुप में विभाजित किए गए हैं। पहला है जिम्नोस्पर्म, सेकेंड है एंजियोस्पर्म, ठीक है। पहला देखते हैं जिम्नोस्पर्म, दिस प्लांट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज एंड बुशेज, ठीक है। ये पौधे जो हैं पेड़ और झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। प्लांट्स प्लांट बॉडी आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, इनके पौधों को हम जड़ तने और पत्तियों के द्वारा पहचान सकते हैं, अंतर कर सकते हैं इनमें, ठीक है। प्लांट्स आर वुडी पेरेनियल एंड टॉल, प्लांट जो होते हैं मेलिल लकड़ी के लिए जो उपयोग होते हैं, पेरेनियल और लंबे होते हैं। प्लांट्स बियर नेक्ड सीड्स, ठीक है। इनके जो पौधे होते हैं वो नग्न बीज के होते हैं, ठीक है। इट्स टैप रूट आर वेल डेवलप, इनके जो टैप रूट हैं वो बहुत अच्छे विकसित होते हैं। पोलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू एयर, हवा के द्वारा इनमें पोलिनेशन होता है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट प्लांट सिक्वोया जिजेंटिया ऑफ प्लांट किंगडम कम्स इन दिस किंगडम, ठीक है। सबसे बड़ा जो इस किंगडम का पौधा है, ये प्लांट किंगडम का जो पौधा है पूरे प्लांट किंगडम का, सिक्वोया गिजेंटिका इसी किंगडम में आता है। इसकी लंबाई जो है 120 मीटर है और इसको रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। ओके, द स्मॉलेस्ट प्लांट इज जैमिया पिगमिया, और इस किंगडम का सबसे छोटा प्लांट जो है जैमिया पिगमिया है। लिविंग फॉसिल्स आर साइकस, जिंकगो, बिलोबा एंड मेटासिकोया, ठीक है। ये लिविंग फॉसिल्स हैं। जिंकगो बिलोबा इज ऑल्सो कॉल्ड मैडन हेयर ट्री, जिंकगो बिलोबा जो है वो दुनिया का सबसे पहला हेयर ट्री है, ठीक है।
ओबूले एंड एंथ्रोजॉइट्स ऑफ साइकस आर लार्जेस्ट ऑफ द प्लांट किंगडम। ओबूले एंड एंथ्रोजॉइट्स जो हैं प्लांट्स ऑफ साइकस, ये प्लांट किंगडम के सबसे लंबे प्लांट्स हैं। कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। साइकस का जो कोरोलॉइड रूट होता है और पानी सोखने और नाइट्रोजन के फिक्सेशन में बहुत उपयोगी होता है। द पोलन ग्रेन्स ऑफ पीनस आर सो मच इन नंबर दैट लेटर टर्न इंटू सल्फर सॉस। पीनस के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जो बाद में सल्फर सॉर के रूप में बदल जाते हैं, सॉर्स के रूप में बदल जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स हैं उनके क्या उपयोग हैं, महत्व हैं। पहला है जो फूड खाने के रूप में, कैसे, सैगो इज मेड बाय एक्सट्रैक्टिंग द जूस फ्रॉम द स्टेम ऑफ साइकस। सैगो जो है वो साइकस के जूस को निकाल के बनाया जाता है, ठीक है। देयरफॉर साइकस इज कॉल्ड सैगो पाम, इसीलिए साइकस को सैगो पाम भी बोला जाता है। सेकेंड है वुड, लकड़ी के रूप में यूज होता है। द वुड ऑफ पाइन, पाइन के लकड़ी होते हैं, देखे होंगे उसके प्लंग्स, पलंग दीवान बनते हैं। देवदार, सिकोया, स्प्रूस इटीसी इज फॉर मेकिंग फर्नीचर। देवदार के बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं, ठीक है, आप जानते हैं, आप लोग घर में भी होंगे। थर्ड है वेपर ऑयल, वेपर ऑयल के रूप में भी इसका यूज होता है। कैसे, वी गेट तारपीन ऑयल फ्रॉम द ट्रीज ऑफ पाइन। आप जानते हैं पाइन के पौधे से, पेड़ से तारपीन ऑयल बनाया जाता है। सेड्रस ऑयल फ्रॉम द ट्रीज ऑफ देवदार, देवदार के पेड़ से सेड्रस ऑयल बनता है। एंड सेडकास्ट ऑयल फ्रॉम द ट्रीज ऑफ जूनिपेरस, जूनिपेरस के पौधे से सीडकास्ट तेल ऑयल बनता है। टैनिन, इट इज यूज इन टैनिन एंड मेकिंग इंक, स्याही जो है उसको बनाने में, टैनिंग में भी जिम्नोस्पर्म पौधे का यूज होता है। रेजिन, रेजिन जानते हैं, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम कॉनिकल प्लांट्स विच आर यूज इन मेकिंग वार्निश पॉलिश पेंट, ठीक है। रेजिन जो है कॉनिकल प्लांट से बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, वो क्या है, वार्निश पॉलिश और पेंट्स बनाने में बहुत उपयोगी होता है। रेजिन इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉनीफेरस ट्री, कॉनीफेरस ट्री का प्रोडक्ट है रेजिन। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोलीइम्ब्रोनी इज सिट्रस, पोलीइम्ब्रोनी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण सिट्रस। सेकेंड है एंजियोस्पर्म, ठीक है। इन द प्लांट्स ऑफ दिस सब ग्रुप द सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट। ये जो प्लांट का जो ग्रुप है इसमें जो ये होते हैं बीज जो होते हैं फल के अंदर पाए जाते हैं। इन दिस प्लांट्स रूट्स फ्रूट्स फ्लावर्स आर फुली डेवलप। इस ग्रुप को जो प्लांट्स होते हैं इसके फल फूल और पौधे बहुत अच्छे होते हैं। ऑन द प्लांट्स ऑफ दिस सब ग्रुप द सीड्स आर फाउंड इन साइड सीड कोट। इस ग्रुप के पौधे के जो बीज होते हैं वो कोट के अंदर मिलते हैं, मतलब उनके ऊपर कवर होता है एक तरह का। ऑन द नंबर ऑफ कोटिलेडोन्स प्लांट्स आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। कोटिलेडोन्स जो होते हैं मतलब बीज के ऊपर जो कोट होते हैं उनके आधार पर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है इन पौधे को। पहला मोनोकोटिलेडोन्स एंड डाइकोटिलेडोन्स, नाम से ही लग रहा है जिनके ऊपर सिंगल कवर हो मोनोकोटिलेडोन्स हैं, और जिनके ऊपर दो कवर है डाइकोटिलेडोन्स। मोनोकोटिलेडोन्स द दीज प्लांट्स विच हैव ओनली वन कोटिलेडोन्स इन सीड्स, ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेम ऑफ कैटेगरी क्या है, इनमें किस तरह के प्लांट्स आते हैं। पहला कैटेगरी है लिलियासियाए, इसमें क्या है, गार्लिक ओनियन लहसुन और प्याज आते हैं। पालमाए है, इसमें कहते हैं नट आते हैं, पाम्स आते हैं, कोकोनट, नारियल, खजूर और ये जो हैं और भी जितने नट हैं, अखरोट। थर्ड है गार्मिनिसियाए, गार्मिनासियाए, ठीक है, इसमें आते हैं गेहूँ, मक्के, बांस, गन्ने, बाजरा, चावल, ओट, ठीक है। सेकेंड है डाइकोटिलेडोन्स प्लांट, दोज प्लांट्स विच हैव टू सीड कोटिलेडोन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडोन प्लांट, ठीक है, जिसके बीज में दो कवर होते हैं वो डाइकोटिलेडोन प्लांट्स होते हैं बोले जाते हैं। इसमें क्या है कैटेगरीज, पहला है क्रूसी
फिर है, फिर आए इसमें क्या है, मूली, टर्निप, मस्टर्ड, ठीक है। दूसरा है मालवसिया है, इसमें जूट और लेडीज फिंगर भिंडी आते हैं। तीसरा है लेगोमिनिसिया है, इसमें बबूल, लाजवंती, अशोक, टैमरिंड एंड और दाल के जितने भी फसल हैं। कंपोजिट में क्या है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, लिली, ये फूल हैं। रूटासिया में आते हैं नींबू और संतरा। कुकारबिटासिया में आते हैं खरबूज, तरबूज, गार्ड बीटल। सोलानासिया में आते हैं आलू, आलू है, मिर्चा है, बैगन है, बेलाडोना और टमाटर, ठीक है। रोसासिया में आते हैं स्ट्रॉबेरी, आलमंड एंड एप्पल, ठीक है। ये देख लिए हम लोग कैटेगरी, कौन कौन कैटेगरी में कौन कौन तरह के फूल सब्जी आते हैं। लीव्स आर द लंग ऑफ प्लांट्स, आप जानते हैं पत्ते जो होते हैं पौधों के फेफड़े होते हैं, ठीक है। प्लांट फ्रॉम विच कोका एंड चॉकलेट्स आर ऑब्टेंड इज श्रब्स, उस तरह वैसे पौधे जिससे चॉकलेट्स और कोका पाए जाते हैं उसको श्रब बोलते हैं। बनाना इज श्रब, बनाना केला जो है श्रब है। ट्रोकोडेंड्रम इज ए वेसललेस एंजियोस्पर्म, ट्रोकोडेंड्रम जो है जिसमें वेसल नहीं होते हैं। पल्सेज आर ऑब्टेंड फ्रॉम द फैमिली लेगोमिनासिया, दाल जो है जो लेगोमिनासिया, लेगोमिनासिया फैमिली है वहाँ से पाए जाते हैं। फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना कोनाइन इज ऑब्टेंड यूज्ड इन मलेरिया फीवर, जानते हैं सिनकोना के छाल से कोनाइन निकाला जाता है जो मलेरिया का दवा जिससे बनाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन शुगर कैन प्लांट सोज डाइमॉर्फिज्म, गन्ने के पौधे में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो डाइमॉर्फिज्म को प्रदर्शित करता है। द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इन डन बाय ग्रीन प्लांट्स, सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा जो फिक्सेशन होता है वो हरे पौधों के द्वारा ही किया जाता है। गोल्डन राइस कंटेंस बीटा कैरोटीन, ठीक है, जो गोल्डन राइस होता है वो बीटा कैरोटीन प्रोसेस करता है जो कि कम्स फ्रॉम कैरोट, विच इज कम्स फ्रॉम कैरोट, गाजर से आता है, ठीक है। इट इज वैरायटी ऑफ राइस, ये बताया गया है कि बीटा कैरोटीन जो है गाजर में पाया जाता है जो। इट इज वैरायटी ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जो इस तरह ये चावल को ऐसा प्रजाति है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा सिंथेसिस बनाया जाता है। और बीटा कैरोटीन प्रेसकर्सर जो कि एक बीटा कैरोटीन का रूप है, वो विटामिन ए का भी एक रूप है, ठीक है। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आर डिफरेंट स्पेसिस बट ऑल बिलोंग टू सेम जीनस सोलामन, टमाटर, आलू और बैंगन अलग अलग तरह के सब्जी हैं बट एक ही जीनस में पाए, एक ही जीनस को होते हैं जो सोन है। अब अलग अलग तरह के देखिए फल फूल पौधों का अलग अलग साइंटिफिक नाम है। पहला है टोमेटो, टोमेटो को क्या बोलते हैं, लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। पोटैटो को क्या बोलते हैं, सोलानम ट्यूबरसम। मटर को क्या बोलते हैं, पीसम सैटिवम। मेज, जी मेज। ब्रिंजल सोलानम मेलोजेना। बनाना मूसा पैराडिसिकम। कैरोट डॉकस कैरोटा। ककम्बर कुकम्मिस सैटिवस। गार्लिक एलिवम सैटिवम। ऑनियन एलिवम सेपा। ऑरेंज सिट्रस ऑरेंटियम। रेडिस रैफेनस सैटिवस। राइस ओरिजा सैटिवा। स्पाइनेक लैक्टुआ लैक्टुका सैटिवा। सनफ्लावर हेलियांथस अनस। तुलसी ओसिमम सैंक्टकम, ठीक है। टैमरिंड जो इमली होता है, टैमरिंडस इंडिका। पपाया पपीता, कैरिका पपाया। जैकफ्रूट आर्टोकार्पस इंटेग्रा। जिंजर आदि अदरक सॉरी जिंजिबर ऑफिसिनेल। एप्पल पीरस मालस, ठीक है। और भी आगे है, लेमन नींबू, सिट्रस लिमोनियम, कोरिएंडर धनिया,
कोरिएंडरम सैटिवम, कैप्सिकम कैप्सिकम फ्रूट सिंस, टोबैको निकोटिना टोबैकम, टर्मरिक हल्दी, करकमा लौंगा, सोयाबीन ग्लिसिन ग्लिसाइन मैक्स, पीपल फिकस रिलिजियोसा, ग्वावा सीडियम ग्वावा, बनियन फिकस बेंगालेंसिस, क्लोव साइजिजियम एरोमेटिकम, करी लीफ कड़ी पत्ता, मुराया कोइनिजी, ठीक है कोइनिगी सॉरी। वायरस क्या है? वायरस स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी बोलते हैं। वायरस इज डिस्कवर्ड बाय रशियन साइंटिस्ट इवानोवस्की इन द ईयर 1892। रशियन साइंटिस्ट इवानोवस्की सबसे पहले वायरस का पता लगाए थे, खोज किए थे। कब? जब वो टेस्ट कर रहे थे टोबैको में मोजैक डिजीज का, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले उनको वायरस मिला था। इन नेचर देयर आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स नॉन एज वायरस। प्रकृति में जो बहुत छोटे जो जीव पाए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वायरस होते हैं, ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप मतलब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं आप उसको। इट हैज़ बोथ कैरेक्टर्स लिविंग एंड नॉन लिविंग। इनके दो चरित्र हैं, एक सजीव और निर्जीव। सो इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है सजीव और निर्जीव के बीच में, ठीक है। डॉक्टर स्टैनले फर्स्ट आइसोलेटेड वायरस काउजिंग मोजैक डिजीज इन टोबैको इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। डॉक्टर स्टैनलेस जो है सबसे पहले आइसोलेट किए थे वायरस को, जो कि तंबाकू में को पौधे में मोजैक डिजीज का कारण था, ठीक है, जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में था, मतलब बहुत छोटा छोटा फॉर्म में था। कैरेक्टर्स ऑफ वायरस पहला, दे बिकेम एक्टिव इनसाइड ए लिविंग सेल। ये लिविंग सेल्स के में एक्टिव हो जाते हैं, मतलब सक्रिय रहते हैं। न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट देम सेल्फ एंड दे रिप्रोड्यूस रैपिडली। ये खुद से आरएनए को सॉरी न्यूक्लिक एसिड को रेप्लिकेट करते रहते हैं, ठीक है, और बहुत तेज़ी से इनका प्रजनन होता है, मतलब फैलते हैं। दे काउज डिजीज लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। ये बैक्टीरिया एंड फंगी के जैसे ही रोग को जन्म देते हैं, ठीक है, जैसा बैक्टीरिया और फंगी जैसे जिस तरह के बीमारी को जन्म देते हैं, वैसा वायरस भी दे सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैरासाइटिक नेचर वायरस इज ऑफ थ्री टाइप्स। परजीवी चरित्र के हिसाब से जो वायरस है, जो विषाणु हैं, वो तीन तरह के होते हैं। पहला प्लांट वायरस, आरएनए इज प्रेजेंट एज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होगा यहाँ पे सॉरी एस है लिखा गया है। इनके आरएनए जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है एनिमल वायरस, डीएनए और समटाइम्स आरएनए इज फाउंड इन इट। इनमें डीएनए और कभी कभी आरएनए भी इनके अंदर पाया जाता है। बैक्टेरियोफेज, दे डिपेंड ओनली ऑन बैक्टेरिया, दे किल बैक्टेरिया, ठीक है। ये जो है बैक्टेरिया जीवाणु के ऊपर निर्भर होते हैं, जीवाणु को मार भी देते हैं। डीएनए इज फाउंड इन देम, एग्जांपल क्या है टी2 फेज। इन मैन वायरस कैन काज डिजीज लाइक मॉप्स चिकन पॉक्स हेपेटाइटिस पोलियो हर्प्स एड्स। इंसानों में जो है इस तरह के रोग को वायरस के कारण बनते हैं, जैसे मॉम्स है, चिकन पॉक्स है जिसको माता जो बोलते हैं आप, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, हर्प्स है, एड्स है, ऐसा वायरस के चलते ही होता है। एचआईवी ऑफन चेंज इट्स सेफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। एक तरह का एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इसके चलते जो है एचआईवी अपने सेफ को चेंज कर देता रहता है, ठीक है। द एंजाइम इंटीग्रेट प्रोड्यूस बाई वायरस अलाउज द इंटीग्रेशन ऑफ एचआईवी डीएनए इनटू द होस्ट सेल डीएनए। जो एंजाइम इंटीग्रेट है जो वायरस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, वो क्या करता है एचआईवी और डीएनए को इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है, किसके अंदर होस्ट सेल ऑफ डीएनए के अंदर। इबोला इज वायरस काउज
काउजेज इबोला फीवर, यहाँ बीला लिखा गया है। इबोला एक वायरस है जो इबोला फीवर इबोला सर इबोला बुखार को जन्म देता है। फ्रूट बैट्स आर द नेचुरल होस्ट ऑफ दिस वायरस, जो पौधे में जो चमगादड़ हो पाए जाते हैं वो इनके होस्ट होते हैं, मतलब इन्हीं के द्वारा फैलता है ये। फर्स्ट आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका, सबसे पहले जो पश्चिम अफ्रीका में इबोला फीवर बुखार पाया गया था। बैक्टेरियोफेज, बैक्टेरियोफेजेस आर दोस वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ठीक है, इस तरह के विषाणु हैं जो जीवाणु को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, टुबैको मोजाइक वायरस, टुबैको का जो मोजाइक वायरस है ये उसी का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। दोज वायरस इन विच आर एन ए इज फाउंड एज जेनेटिक मटेरियल आर कॉल्ड रेट्रो वायरस, वैसे विषाणु जिनमें आर एन ए एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पर पाया जाता है उसको रेट्रो वायरस कहा जाता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ऑफ हॉलैंड इन द ईयर 1683। बैक्टीरिया को एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोजा था, ठीक है, हॉलैंड के ये थे 1683 ईस्वी में। लीवेनहॉक इज कॉल्ड द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, लीवेनहॉक को बैक्टीरियोलॉजी का पिता बोलते हैं। इन द ईयर 1829 एहरेनबर्ग हैड कॉल्ड इट बैक्टीरिया, 1829 में एहरेनबर्ग नामक साइंटिस्ट जो सबसे पहले इसको बैक्टीरिया बताया था। और 1843-92 में रॉबर्ट कोच जो है बैक्टीरिया टीबी के बैक्टीरिया का खोज किए थे, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया का खोज किए थे। एंड 1812-1892 में लुइस पाश्चर जो हैं वो रेबीज के टीके का खोज किए थे और पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में भी बताए थे। ऑन द बेसिस ऑफ सेप्स बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, संरचना के हिसाब से बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जीवाणु। पहला है बैसिलस, बैसिलस दिस इज ए रॉड लाइक सिलिंड्रिकल, ठीक है, ये रॉड जैसा होता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल भी होता है। राउंड और कोकस, दीज आर फॉर राउंड एंड स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सबसे छोटे होते हैं, गोल और सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। तीसरा है कॉमन सेफ्ट और विब्रियो, ये क्या है, ये कॉमन सेफ्ट होते हैं और विब्रियो जैसे होते हैं, जैसे लाइक द इंग्लिश कॉमा, एग्जाम्पल क्या है, विब्रियो क्लोरेलाए कोलेराए, ठीक है। फोर्थ है स्पिरुलिना, कैसे होते हैं, स्प्रिंग और स्क्रू जैसे होते हैं। सम स्पेसीज एजोटोबैक्टर एजोस्पिरुलिना एंड कोलेस्ट्रिडियम बैक्टीरिया लिव फ्रीली इन द सॉइल एंड फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजेनियस कंपाउंड, कुछ जीव ऐसे हैं कुछ जो एजोटोबैक्टर एजोस्पिरुलिना एंड कोलेस्ट्रिडियम बैक्टीरिया, जो इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं ये भूमि में खुले घूमते हैं, ठीक है, खुले घूमते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। द बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट आर नाइट्रोसोमस, जो नाइट्रीट नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, उस तरह के जीवाणु को नाइट्रोसोमस बोलते हैं। एनाबेना एंड साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल, एनाबेना एंड साइनोबैक्टीरिया जो हैं इस तरह के जीवाणु जो हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो सॉइल मिट्टी में बदल देते हैं। द स्पेसीज ऑफ राइजोबियम एंड ब्रैडी राइजोबियम बैक्टीरिया एटीसी लिव इन द रूट ऑफ लेगुमिनस, जो ब्रैडी राइजोबियम एंड राइजोबियम तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो लेगुमिनस टाइप के प्लांट्स के जड़ में पाए जाते हैं। ये क्या है, कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स कंपाउंड, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मैंने वातावरण के जो नाइट्रोजन है इनको कंपाउंड में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं, जैसे क्या है, मटर कबूतर ग्राम। राइजोबियम आर कॉल्ड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, राइजोबियम जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोले जाते हैं। द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई माइक्रोब्स आर कॉल्ड टॉक्सिन्स,
जो माइक्रोब्स के द्वारा जो जहरीले पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं उसको जहर बोलते हैं, सॉरी जो हानिकारक पदार्थ जो जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उसको जहर बोलते हैं। टू प्रिजर्व मिल्क फॉर मेनी डेज पाश्चराइजेशन इज डन, दूध को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए पाश्चराइजेशन किया जाता है। ओके दो तरह के पाश्चराइजेशन हैं, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड LTH, इसमें दूध को 62.8 डिग्री तक गर्म करते हैं 30 मिनट तक, ठीक है। दूसरा है हाई टेम्परेचर में करते हैं गर्म, इसमें 71.7 डिग्री तक गर्म करते हैं 15 मिनट तक। इन लेदर इंडस्ट्री सेपरेशन ऑफ हेयर एंड फैट फ्रॉम लेदर इज डन बाय द बैक्टीरिया। चर्म उद्योग जो होता है, चर्म उद्योग में जो चमड़े से बाल और वसा को अलग करने के लिए जीवाणु का उपयोग होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टैनिंग ऑफ लेदर। पिकल सिरप आर केप्ट इन डेंस लिक्विड ऑफ शुगर, ठीक है। सो दैट इन केस ऑफ बैक्टीरियल अटैक बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड पाल्मोलाइज्ड एंड डिस्ट्रॉयड, देयरफॉर पिकल्स डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड सून एंड कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम। जो अचार और सिरप जो होते हैं वो बहुत ही गहरे शुगर के घोल में रखे जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब कभी ऐसा हुआ कि बैक्टीरियल जीवाणु का अटैक हुआ उनके ऊपर तो जीवाणु जो है पाल्मोलाइज्ड हो जाए और नष्ट कर दिए जाएँ, ठीक है। इसीलिए अचार और अचार को बर्बाद ना किया जा सके इसीलिए उनको, और बहुत लंबे टाइम तक रखा जा सके सुरक्षित इसीलिए उनको चीनी के गाढ़े घोल में रखते हैं, ठीक है। द सिट्रस फ्रूट्स एंड पिकल्स आर नॉट केप्ट इन आयरन कंटेनर्स। सिट्रस खट्टे भोजन और अचार लोहे के कंटेनर में नहीं रखते हैं क्योंकि इट कंटेन्स ऑर्गेनिक एसिड, लोहे के जो बर्तन होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड उत्पन्न करते हैं। इन कोल्ड स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट इन लो टेम्परेचर -10 to -18 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड स्टोरेज में जो पदार्थ रखे जाते हैं वो -10 to -18 डिग्री सेल्सियस के निम्न ताप पे रखे जाते हैं। माइकोप्लाज्मा इन स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक सेल काउजिंग प्लूरोमोनिया इट इज नॉन एज PPLO। सबसे छोटे जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है, जो प्लूरोमोनिया नामक बीमारी को उत्पन्न करते हैं वो माइकोप्लाज्मा होते हैं। वाक्समैन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। वाक्समैन जो साइंटिस्ट थे उनको नोबेल प्राइज मिला था स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक खोजने के लिए, ठीक है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है सबसे पहला एंटीबायोटिक खोजे थे जिसका नाम है पेनिसिलिन। जेनोबायोटिक्स आर इनहेरेंटली रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक आर कॉल्ड रिकैल्सिट्रेंट। जेनोबायोटिक जो है जो इनहेरेंटली रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक है, जो बहुत तगड़ा रेसिस्टेंट करता है माइक्रोबियल अटैक को, उसको रिकैल्सिट्रेंट बोलते हैं। माइक्रोबायल टाइप कलेक्शन सेंटर इज सिचुएटेड चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो है माइक्रोबायल कलेक्शन सेंटर बनाया गया है। हनी हैज हाई शुगर कंसेंट्रेशन इट डजन डिके बिकॉज बैक्टीरियल कांट सर्वाइव इन द सॉल्यूशन ऑफ हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ एज वाटर इज ड्रॉन आउट। हनी जो है देखते हो हनी को तो जानते हैं उसमें बहुत हाई शुगर कंसेंट्रेशन होता है इसीलिए वो कभी ख़राब नहीं होता है क्योंकि बहुत डेंस शुगर कंटेंट वाले कंसेंट्रेशन वाले जो सब्सटेंस है उसको बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें पानी होता ही नहीं है। बैक्टीरिया इज यूजफुल इन कॉमर्शियल एज वेल एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लाइक फर्मेंटेशन, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, क्लीनिंग ऑफ स्पील्स एंड प्रोड्यूसिंग अदर बायोमेडिकल। देखिए इस तरह के जो इंडस्ट्रियल यूज हैं या फर्मेंटेशन जो है एनारोमिक फर्मेंटेशन किया जाता है, वैक्सीन्स को बनाने में
स्पिल साफ करने में, इस तरह के जितने काम हैं बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स अंडर एनारोबिक कंडीशन इज कॉल्ड कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग आप जानते हैं, सड़ा गला के जो खाद वगैरह बनाए जाते हैं वो बैक्टीरिया के।